नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रैंड आईटीआई चैनल पर। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आपने पढ़ा था प्रत्यक्ष और डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, और कल मैंने बताया था कि आज अपन टॉपिक करेंगे स्टील रूल लाइन एंड मेजरमेंट में। आपके स्टील रूल के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से उनका यूज करते हैं, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है आपका, लीनियर मेजरिंग टूल्स। लीनियर मेजरमेंट क्या होता है मैंने बताया था, एक सीधी रेखा में जो भी मेजरमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है आपका, रेखीय मेजरमेंट या लीनियर मेजरमेंट। इसमें सबसे पहले आपका रूल आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टील रूल। स्टील रूल कैसा होता है आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका स्टील रूल है, ठीक है। ये आपका किस किस से किस मेटल से बना होता है, ये आपका स्टेनलेस स्टील से बना होता है, स्प्रिंग स्टील से बना होता है, और हाई कार्बन स्टील से भी बना होता है, ठीक है। और इसका जो लीस्ट काउंट होता है, मतलब अल्पतमांक होता है इसका, आधा एमएम, एक बटे दो एमएम या एक बटे चौसठ इंचेस, ठीक है। ये दोनों आपके मैट्रिक में पूछे तो मैट्रिक में एक बटे दो मतलब आधा एमएम, और ब्रिटिश में या फिर एफपीएस में पूछे तो आपके एक बटे चौसठ इंचेस, दोनों आपको मैंने बता दिया है। और इसका यूज क्या है, किसी भी चीज या किसी लीनियर मेजरमेंट करने में इसका उपयोग होता है। फिर इसका एक नेक्स्ट दूसरा टाइप है आपका, ये आपने मैंने टाइप लिख दिया है, तो इसका दूसरा टाइप है आपका प्लेन स्टील रूल। प्लेन स्टील रूल क्या होता है, जैसे कि आपका ये प्लेन स्टील रूल ये है, इसमें आपको कोई नहीं रहता है, इसका जो आपको मेजरमेंट है इसका मेजरमेंट कहाँ रहते हैं, किसी भी जॉब को आपको एनुअली मेजरमेंट करनी है उस वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट मैंने बता दिया है कि सभी जितने भी आपके स्टील रूल हैं सभी का लीस्ट काउंट यही होता है, और एफपीएस में भी यही काम होता है। फिर इसका स्टैंडर्ड है, क्योंकि आपका प्लेन स्टील रूल है, प्लेन में इसकी आपकी थिकनेस क्या हुई है, आपको कितने पाए जाते हैं, इसकी लेंथ जो होती है प्लेन स्टील रूल की, इसकी जो लेंथ होती है आपको 12 इंच से 6 इंच से 12 इंच तक पाई जाती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है विड्थ जो होती है इसकी 3/4 इंच से 1 इंच तक मिलती है, ठीक है। और इसका लीस्ट काउंट यही है, मटेरियल भी यही है। मटेरियल क्या है आपका, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका सेकेंड आता है स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल का उपयोग आप स्टैंडर्ड जॉब पर किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो हाइट होती है स्टैंडर्ड स्टील की, जो लेंथ होती है स्टैंडर्ड स्टील की 6 इंच से 48 इंच तक, और जो आपकी इसकी विड्थ होती है, सो विड्थ, ठीक है, विड्थ आपकी जो चौड़ाई होती है 3/4 इंच से लेके 1 इंच तक की इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। और इसका लीस्ट काउंट भी आपका आधा एमएम और 1/64 इंच होता है, और इसका मटेरियल भी सेम वही है आपका जो मैंने पहले बताया था। आपको हमेशा जितने भी आपके टाइप के स्केल है उसमें आपका मटेरियल लीस्ट काउंट आपका सेम रहेगा, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपको ये डिटेल में दिया है, टाइप दिया है, पर्पस ऑफ यूज कि आपको किस स्केल का कहाँ पे यूज करना है, किस स्टील रूल का कहाँ पे यूज करना है, फिर आपको इस पर्पस पे इसके टाइप दिए हैं। बाकी जो आपके एग्जाम में जो आते हैं आपके सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, अल्पतमांक क्या होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, ठीक है, और ये किस मटेरियल से बना होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टील रूल क्या होता है, जो आपका लचीला, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जो आपका ये लचीला मतलब इलेक्ट्रिसिटी का गुण उसमें पाया जाता है। जैसे आपको कर्व सरफेस है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, लचीले स्टील रूल का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर आपको कर्व सरफेस मेजर करना है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपका ऐसा एक सरफेस है, इसको मेजर करना है कि ये कितने सेंटीमीटर है या कितना एमएम है, इसको क्या किस रूल से करेंगे अपन, फ्लेक्सिबल स्टील रूल से। फ्लेक्सिबल स्टील रूल से कैसे करेंगे, आपका फ्लेक्सिबल है तो आपका क्या मुड़ जाएगा, कर्व सरफेस में आसानी से क्या कर लेगा, ये आपका मेजर कर लेगा जो भी आपको मेजर करना चाहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल आपको जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नैरो मतलब पतला या छोटा, ठीक है। नैरो क्या होता है आपको, पतला या छोटा। नैरो स्टील रूल का उपयोग क्या किया जाता है, जहां पर आपके छोटे छोटे स्लॉट या गड्ढे गड्ढे होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जॉब बना देता हूँ मैं, ठीक है, मेरे को यहाँ का ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये आपका नॉर्मल स्टील रूल को जाएगा नहीं अंदर, तो इसलिए अपन क्या करते हैं नैरो स्टील रूल का यूज करते हैं। यहाँ से आपने एक ड्रिल किया है, ब्लाइंड ड्रिल मतलब आर पार वाला नहीं, जिसमें आपका एक साइड पैक है और आपका ड्रिल है, तो उसकी हमको हाइट नापना की कितनी डेप्थ है, तो उसके लिए कौन सा स्टील रूल यूज करेंगे अपन, नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल की लेंथ कितनी होती है, 5 एमएम, सॉरी स्टील रूल की लेंथ कितनी होती है आपकी, 15 सेंटीमीटर से 6
6 इंच तक की लेंथ होती है, ठीक है। और जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई मतलब क्या बोलते हैं, विड्थ, विड्थ कितनी होती है इसकी, ओनली 5 mm, ठीक है। इसकी विड्थ क्या हो जाती है, 5 mm, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, वो है आपका हुक रूल। हुक रूल कैसा रहता है आपका, ये इसके रूल है, ये इसके रूल। यहाँ पे एक लास्ट में क्या लगा रहता है, एक हुक लगा रहता है, यहाँ पे आपकी स्केल रहती है, ठीक है। इसका क्या है, जैसे आपको एक पाइप मेजर करना है तो पाइप में अपन एक साइड क्या है हुक इसको पका देंगे और जितना आपको मेजर करना है खींचते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है कि आपको यदि आप अकेले हो तो मेजर कैसे करोगे, यदि आपका नॉर्मल शेड्यूल है तो उससे अपन दो तीन लोग चाहिए, दो लोग चाहिए, बात है कि भाई तू वहां पकड़, मैं यहाँ से मेजर करता हूँ। इसमें क्या होता है, आपका हुक तो रहता है तो आप हुक फंसा देते हो और उसको चले जाते हो जहाँ पर आपको मेजर करना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपकी मार्किंग एक साइड होती है, दोनों साइड मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है की सीट रूल। की सीट रूल, की सीट रूल से आपको नाम समझ में आ रहा है, की मतलब क्या होता है, की वे, जहाँ पे आप स्लॉट या कुंजी लगाते हो, ठीक है। की वे जो आपका इसके आकार होता है, इसका आकार कैसा होता है, आपने आयरन एंगल देखा, एंगल आयरन देखा होगा मार्केट में, एंगल आयरन क्या होता है, आपने देखा होगा एंगल आयरन मार्केट में, इस टाइप का लोहा रहता है, आपने देखा होगा ये मार्केट में एंगल आयरन मिलता है लोहा इस टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेम आपके स्केल ऐसे सेम ये रहता है, इसमें जो रेचेट लगी रहती है, यहाँ पे एक रेचेट रहेगा, मतलब जो नट बोल्ट का सिस्टम, एक यहाँ पे रेचेट लगी रहती है स्क्रू, ठीक है। और जो आपका एक ये रहता है नीचे वाला, इसमें आपका स्केल बना रहता है, ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, इसमें स्केल बना रहता है। इसका उपयोग क्या करते हैं कि आपको गोले, जैसे आपके पास राउंड जॉब है उस पर आपको समांतर रेखाएं खींचनी है, उस पर कीवे बनाना है, जैसे आपका इसमें गोल है तो यहाँ पे आप गोल जो अंदर चली जाती है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो ब्लॉक है ये आपके अंदर चली जाएगी, इसको खिसकाते जाएंगे तो आप समांतर पैरेलल लाइन, समांतर लाइन खींचते चले जाओगे, खिसकाते चले जाओगे, ठीक है। और दूसरा यूज क्या है, इस पे आपको की वे है, ये आपकी साफ्ट है, इस पे आपको की लगाना है, एक स्लॉट लगाना है इसको हाफ फंसाने के लिए, तो यहाँ पे हाफ छोटा सा हाफ फंसता है, ऐसा आपका एक की वे रहता है। तो ये काटने के लिए या इसको मेजर करने के लिए किस रूल का उपयोग किया जाता है, की वे की सीट रूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है श्रिंकेज रूल। श्रिंकेज रूल क्या होता है, श्रिंक से समझ में आ रहा है, श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, सिकड़ा हुआ रूल, ठीक है, स्टेज रूल, श्रिंकेज रूल। श्रिंकेज रूल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ढलाइयों में या पैटर्न मेकर में किया जाता है इसका उपयोग, या डाई मेकर में। अब ढलाई क्या होती है, कास्टिंग क्या होती है, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री में आपने देखा होगा मोल्डिंग किया जाता है, कास्टिंग की जाती है, कि पहले एक मेटल को या एल्यूमिनियम या जो भी आपको मेटल पिघलाना है, कास्ट आयरन पिघलाया है, उसके एक साँचे में आपको पैटर्न तैयार किया जाता है, उसमें आप बनाया जाता है। जैसे आप पैटर्न कैसे तैयार करोगे, जैसे आपको एक कोई शेप बनाना है, ये आपको जैसे एक आपको एल शेप बनाना है आपको, ठीक है, आपको एक एल शेप बनाना है, इसका पैटर्न ये आपने तैयार किया, इसका पैटर्न कैसे तैयार होगा, आप एक डिप लेते हैं, मतलब एक कंटेनर टाइप का रहता है, उसमें आप इसको रखते हैं, मिट्टी डालते हैं इसके ऊपर, फिर इसको अपन ये एल शेप को रखते हैं, जिस आकार में आपको मेटल चाहिए उस आकार का, जिस शेप का आपको बनाना है वो पैटर्न इसमें अपन रखते हैं, फिर इसके अंदर फिर से आप मिट्टी डाल देते हैं, फिर मिट्टी का ये जो पैटर्न रहता है इसको अपन निकाल लेते हैं, तो आपको एक खासा मिल जाता है पैटर्न, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोला जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जब ये पैटर्न मिल जाता है मिट्टी में, फिर इसमें आपको मोल्डेड जो मेटल रहता है, चाहे आप एल्यूमिनियम को पिघलाओ, चाहे आप कास्ट आयरन को पिघलाओ, तो उसको अपन इसमें डाल देते हैं। जैसे आपको लेंथ कितनी चाहिए, 10 की, ठीक है, 100 की चाहिए, मान लिया मैंने 100 सेंटीमीटर या 100 mm की चाहिए, ठीक है, तो ये मैंने 100 mm का बना लिया। अब इसमें मैंने एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन भर दिया और कुछ समय बाद जैसे वो सूखा तो उसको निकाल दिया। तो इसमें क्या होता है, कुछ मेटल जो है आपके, कोई भी मेटल है वो श्रिंकेज होते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं सूखने के बाद, तो अपन एक्यूरेट बनाएंगे। तो क्या होगा, जैसे मैंने ये सौका बनाया, यहाँ भी सौका बना दिए, मैंने एल्यूमिनियम डाला, जब वो सूखा तो वो सूख के वो आपका बचा 99, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ, क्योंकि आपको 99 के चाहिए नहीं, आपको 100 के चाहिए। तो इसलिए अपन किस रूल का उपयोग करते हैं, श्रिंकेज रूल का उपयोग करते हैं यहाँ पे इस चीज से बचने के लिए। श्रिंकेज रूल का उपयोग क्या होता है, जैसे कि आपका कास्ट आयरन और सबके लिए सब मेटल अलग अलग श्रिंकेज अलाउंस होता है, जैसे आपका कास्ट आयरन का है, कास्ट आयरन का श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, 1%, और जो आपका है
जो आपका स्टील है, स्टील का संकेत अलाउंस क्या होता है आपका 2.1%, और जो आपका है एल्यूमिनियम, कॉपर या ब्रास, इनके संकेत अलाउंस क्या होता है 1.6%। मतलब क्या होता है कि आपको 100 सेंटीमीटर की लेंथ, जैसे आपका सीआई का है, कास्ट आयरन का एक मेटल है, उसकी आपको कास्टिंग करनी है, जैसे आपको लेंथ दी है 100 एमएम की, तो अपन उसको क्या करेंगे, 1% का अलाउंस है, मतलब 1% में जोड़ देंगे, मतलब 101 एमएम का अपन खांचा बनाएंगे, तब जाके कुर्सी कोड भी अपनों कितने का मिलेगा, 100 का मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आप सिंक्रेस टूल का उपयोग किया जाता है ढलाई एंड पैटर्न मेकिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका डेप्थ रूल। डेप्थ रूल इसके नाम से समझ, डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई, गहराई मापने के लिए कौन सा रूल उपयोग किया जाता है, डेप्थ रूल। अब डेप्थ रूल क्या होता है, ये भी आपका चौड़ाई में क्या होता है, पतला होता है, ठीक है, आपका डेप्थ रूल इस टाइप का होता है, यहाँ पे ग्रेजुएशन मार्किंग रहती है आपकी, नंबरिंग जो आपको मेजर करना है, इसमें भी आपकी एक साइड ही रहती है। ठीक है, जैसे मैंने ये आपको जॉब बनाया, यहाँ पे आपका एक स्लॉट बना दिया, ये है, ठीक है, मेरे को ये मेजर करना है कि ये कितना स्लॉट है, कि कितना ये खांचा है, कितना गहरा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, ये जो डेप्थ वाल है, इसको डेप्थ रूल है, इसको अपन यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये आपका जो स्टील रूल है वो आपका यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है, जो ये आपका लेवल है, ये आपका यहाँ पे लेवल हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लेवल हो जाएगा, और ये बाकी का स्टील रूल आपका ये जैसा ऐसा, और इसको ये जो नट है इसको अपन यहाँ पे टाइट कर देंगे, स्क्रू है इसको टाइट कर देंगे, इसको निकाल लेंगे, फिर अपन मेजर कर लेंगे कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, मतलब तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है आपको, स्लॉट मेजर में, या फिर आपको जहाँ पे तंग स्थान है, मतलब बहुत सक्रिय जगह है, वहां पे जहाँ यूज करना है, तो वहां कौन सा यूज करेंगे अपन, डेप्थ रूल यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल नाम से समझ रहा है, शॉर्ट मतलब छोटा छोटा, तो ये टुकड़ों में पाया जाता है, ये जो स्केल होता है, ये जो रूल होता है, स्टील रूल होता है, ये आपके टुकड़ों में पाया जाता है, जैसे आपका एक टुकड़ा ये दे दिया, एक फुटा इससे छोटा दे दिया, और एक इससे छोटा दे दिया, जैसे ये आपकी ग्रेजुएशन है, ठीक है, ये आपके सामने आपकी मार्किंग रहती है, ये जैसे आपका 1 इंच का है, ये आपका है 1/2 इंच का है, ये आपका 3-4 इंच का है, ठीक है, इस टाइप से आपके ये स्टील रूल दिए जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, और इसमें आपको एक होल्डर यूज होता है, आपका एक होल्डर यूज होता है इनको पकड़ने के लिए, स्टील रूल को पकड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, एक होल्डर यूज करते हैं, यहाँ पे इसकी रैकेट लगी होती है इसको होल्ड करने के लिए। ठीक है, इसका भी उपयोग सेम है आपका, जैसे मैंने ये बताया था, ये डेप्थ में है, मेरे को यहाँ पे मेजर करना है, तो इसमें अपन जिस ये मतलब जो साइज का ये होगा, उस साइज का अपन इस रूल चुनेंगे यहाँ से, तो इसमें अपन फंसाएंगे, यहाँ पे टाइट करेंगे, इसमें आपका फंस जाएगा, ये रूल ऐसे फंसता है, ठीक है, ये जो आपका ये ऐसे फंसेगा 1 इंच का, इसको अपन लेके यहाँ पे रखेंगे, जितने जितना जो आपका फिट हो जाएगा वो आपका इतना का होगा। ठीक है, वो आपका 1 इंच या उसकी मेजर होगी, वो आपकी साइज यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। फिर उसके बाद जो आपका आता है स्टील टेप। स्टील टेप की लेंथ क्या, स्टील टेप तो सभी ने देखा होगा, ठीक है, जनरली सभी ने देखा होगा, क्योंकि सब जगह पाया जाता है स्टील टेप होता क्या है। स्टील टेप की जो लेंथ होती है वो होती है 6 फिट से लेके 100 फिट तक। ठीक है, इसकी जो लेंथ पाई जाती है जनरली 6 फिट से लेके 100 फिट तक, ठीक है, पाया जाता है, और इसकी मोटाई सेम वही है 1/2 इंच या 3/4 इंच। ठीक है, और इसका लिस्टाउंट भी वही है बस, ठीक है, और ये जो आपका स्टील टेप होता है पतली चादर से ऊपर पतली शीट से बनाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, इसलिए बहुत पतली चादर से बनाया जाता है स्टील से। ठीक है, इसलिए स्टील टेप से बनाया जाता है, इसलिए लचीला होता है, लचीला क्यों होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि स्टील रूल किससे बना होता है, स्प्रिंग स्टील से, जिसमें इलास्टिसिटी का थोड़ा बहुत गुण होता है, वही से आपका स्टील रूल बनता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है कैलिपर रूल। कैलिपर रूल
कैलिपर रूल्स क्या होते हैं, कैलिपर रूल क्या होता है, कैलिपर रूल का वहाँ उपयोग किया जाता है जहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड वर्कपीस होती है उसको मेजर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैलिपर रूल का, या फिर आपको आउटसाइड करना है या फिर इनसाइड करना है, दोनों क्या क्या किससे कर सकते हैं अपन, कैलिपर रूल से कर सकते हैं। फिर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका स्केल है, नेक्स्ट टाइप है। तो स्केल क्या होता है, ठीक है, आपको बच्चों के मन में ये होगा कि फिर स्केल और रूल में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि देखिए तो सेम एक से है, काम भी जनरली बच्चे लोग यही समझते हैं कि जो स्केल का काम है वही रूल का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्केल आपको अलग तरीके से बनाया गया है और रूल जो है आपको मेजरिंग पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है। रूल क्या होता है, रूल जो होता है, स्टील रूल जो होता है आपका, स्टील रूल लिख देता हूँ पूरा नाम, स्टील जो होता है वो आपको वास्तविक मेजरमेंट देता है, वास्तविक मेजर देता है जो आप एक्चुअली देख रहे हो। ऐसे ये मैंने देखा है, ये आपने स्टील रखा, जो आप देख रहे हो ये 10 है तो ये 10 ही है, ठीक है, ये 100 नहीं हो सकता या 50 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कौन देता है, वास्तविक मेजरमेंट देता है, वास्तविक मेजर देता है, वास्तविक मापन देता है, ठीक है। स्टील रूल क्या है, वास्तविक मापन देता है। और जो आपका स्केल रहता है, स्केल जो रहता है आपका अनुपातिक देता है, अनुपातिक, अनुपातिक, अनुपातिक मापन, ठीक है, क्या देता है आपका अनुपातिक मापन। कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े घर जो है, बड़ी बड़ी ड्राइंग होती है, जैसे आप फिटर वाले तो आपने असेंबली की होगी तो बड़ी बड़ी घर से स्केल बनाया होगा आपने, 10 सेंटीमीटर है, 2 फिट का है, 3 फिट का, तो उसमें आपके स्केल ले लिया जाता है आपको कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 1 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, तो ये आप स्केल ले लेते हो। जैसे आपको बड़े बड़े नक्शे बनाने हैं तो उसको आप हमेशा 4x4 के पेपर में बना देते हो, एक छोटे से पेपर में बना के रख देते हो, मकान घर का, मकान का आपको पूरा नक्शा बनाना है वो भी आप 1 इंच 2 फिट 2 फिट के पेपर में आप बना के दे देते हो, तो उसमें क्या करते हैं, स्केल अपन यूज करते हैं, अनुपात लेते हैं, अनुपात लेते हैं। कैसे लेते हैं कि आपका 1 सेंटीमीटर बराबर कितने का है, 2 फुट का है, ठीक है, या 2 इंच का है, या 2 फिट का है, या 5 फिट का है, 10 इंच का, ऐसा एक अनुपात, एक रेशो लेते हैं बराबर करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है, आपकी स्केल होती है, ठीक है। जैसे कि आपको मार्केट में मिलते हैं नक्शे, मिलते हैं आपके नक्शे होता है, जैसे आपके नक्शा है यहाँ से, ये आपका यहाँ पे क्या है, सेवारा है, ठीक है, यहाँ पे आपका है जबलपुर, ठीक है, यहाँ आजू बाजू भी आपकी बहुत सारी सिटी है और यहाँ भी बहुत सिटी है, ठीक है। अब यहाँ को इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करना है, जबलपुर इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितना, तो अपन क्या करेंगे कि एक स्केल नाप लेंगे कि आपका 10 सेंटीमीटर, 4 स्केल रखेंगे तो आपका सेवारा आ जाएगा, तो आपने एक स्केल यहाँ पे रखा, एक स्केल यहाँ पे रखा, एक स्केल यहाँ पे रखा, तो तीन स्केल में आपका क्या है, सेवारा पहुंच गया, मतलब एक स्केल बराबर 10 किलोमीटर, तो 3 स्केल बराबर 30 किलोमीटर, तो मतलब सेवारा आपका कितना हुआ, 30 किलोमीटर। तो अपन स्केल के थ्रू अपन बड़ी से बड़ी चीजों को छोटा करके ड्राइंग में अपन दिखा सकते हैं, और इसी तरह अपन क्या करते हैं कि छोटे से छोटी चीजों को बड़ा करके ड्राइंग में दिखा सकते हैं। जैसे कि आप घड़ी है, घड़ी के जो पुर्जे होते हैं उनको आपकी ड्राइंग बनानी है, जैसे घड़ी का एक स्क्रू है या एक पुर्जा है, ठीक है, जैसे आप घड़ी का एक कांटा ले लेते हैं, या एक कांटा ले लेते, चलो मान लो आपने ये कांटा लिया घड़ी का, ठीक है, घड़ी का कांटा लिया, इसको आपको ड्राइंग बनाना है, तो जितना पतला घड़ी का जो कांटा होता है उतना तो अपना पैर ही चल जाता है ना, तो उसका ड्राइंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको अपन बड़ा करते हैं। उसको बड़ा कैसे करेंगे अपन, जैसे 0.01 mm को अपन क्या मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा अपन बड़ा अनुपात लेते हैं, एक रेशियो लेते हैं जिसमें आपको ड्राइंग दिख सके ऑटोमेटिक, है ना, तो आप पढ़ सके ड्राइंग को, अच्छी दिखे आपको, तो आपका स्केल क्या होता है कि आप बड़ा चीज है उसको अपन छोटे रूप में ग्राफ पे प्रदर्शित कर सकते हैं, और यदि आपकी छोटी चीज है तो उसको बड़ा अनुपात में लेके शीट पे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है आपका एंगुलर मेजरमेंट टूल्स, एंगुलर के जो मेजरमेंट टूल होते हैं वह पढ़ेंगे। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, लीनियर मेजरिंग टूल्स, अब अपन क्या पढ़ेंगे, एंगुलर मेजरिंग टूल्स, कि एंगुलर को मेजर करने के लिए कौन कौन से टूल अपन उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।